दमोह में लोकसभा चुनाव के लिए दोनों ही प्रमुख दल सक्रियता से जुट गए हैं। बढ़ियागढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें दमोह लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार तरवर लोधी ने कार्यकर्ताओं से चर्चा कर आगामी चुनावों की रणनीति तय की और बूथ स्तर पर आवश्यक जानकारियां और निर्देश भी जिलाध्यक्ष रतन चंद जैन को दिए। मीडिया से चर्चा करते हुए तरवर लोधी ने बताया कि बेरोजगार 30 लाख युवाओं को अगर हमारी केंद्र में सरकार बनती है तो रोजगार दिया जाएगा। गरीब परिवार की महिलाओं को 12,000 रुपए प्रति माह देने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे कांग्रेसियों को लेकर तरवर सिंह ने कहा कि जो लोग बेईमान होते हैं वो किसी भी पार्टी के लिए निष्ठावान नहीं हो सकते। देखिए, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहले ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो घोषणाएं की हैं वो मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी का एजेंडा रहेगा। उसमें जैसा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोला है कि हमारी अगर केंद्र में सरकार बनती है तो हम सबसे पहले तो रोजगार देने की गारंटी का अधिनियम लागू करेंगे। दूसरी बात, प्रति वर्ष 30 लाख युवाओं को जो बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें रोजगार देने का काम करेंगे। और जो हम गरीब परिवार की जो महिलाएं हैं उन्हें प्रति माह 12,000 रुपये देने का काम भी करेंगे। और साथ ही साथ जो पढ़े लिखे युवा हैं और उन्हें अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, जो स्नातक हैं, उन्हें हर माह 8,500 रुपये देने का भी काम करेंगे। साथ ही साथ में किसानों के लिए MSP लागू करेंगे और जो GST जो कृषि यंत्रों पर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मनमानी GST आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में लगाई जा रही है, वो भी किसानों के कृषि यंत्रों पर नहीं लगेगी। और साथ ही साथ में सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र को लेकर, यहाँ 1990 से भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता रहा, 4 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही, लेकिन हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र में कोई पढ़े लिखे युवा हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं उन्हें कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है। तो हमारी अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो दमोह लोकसभा क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए उद्योग, फैक्ट्री, रोजगार देने के साधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जो भी कचरा वाला मुद्दा चल रहा है, कांग्रेस के लोग भाजपा में जा रहे हैं, तो दिग्गज जो भाजपा के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं, इसे लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, जो लोग बेईमान होते हैं वो कभी किसी पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं होते, और इतनी बेइज्जती होने के बाद भी अगर वो वहाँ सुकून महसूस करते तो ठीक है। अभी एक आईडी वायरल हुआ है जिलाध्यक्ष का, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? फिर से कहना, मैं सब सुन नहीं पाया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष का एक आईडी वायरल हुआ है जिला पंचायत, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने पहले ही कह दिया कि जो बेईमान लोग हैं वो किसी भी पार्टी के लिए निष्ठावान नहीं होते, जहाँ भी रहते हैं वो वहाँ बेईमानी करते हैं।